बोलो बजरंग बली की जय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य जिनको आप नहीं जानते हैं। अंजना माता और केसरी के पुत्र हनुमान जी को सदियों से भारत में पूजा जाता है। वायु देवता उनके धर्म पिता थे, इसलिए उन्हें वायु पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ये सबसे चहेते और सबसे विख्यात चरित्रों में से एक हैं। जिन लोगों को अपने जीवन में साहस और ताकत की इच्छा होती है वो भगवान हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा देश में सबसे ज्यादा उच्चारित की जाने वाली धार्मिक स्तुतियों में से एक है और यह उच्चारण करने वालों के मन से सब भय मिटा देती है। हालांकि रामायण बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है और इस पर बहुत सारे टीवी सीरियल बनने की वजह से भी लगभग सभी लोग भगवान हनुमान के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही कुछ रहस्यमय तथ्य हमारी टीम ने एकत्रित किए हैं और आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर वन, हनुमान जी भगवान शिव जी के अवतार थे और ताकत और प्रभु सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव जी के रुद्र रूप के अवतार हैं और ये कैसे हुआ इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको बताते हैं। अंजना स्वर्ग में ब्रह्मा जी के महल में बहुत खूबसूरत अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया कि जैसे ही वह किसी से प्रेम करेंगी उसी क्षण उनका चेहरा वानर का हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मदद की और उन्होंने धरती पर जन्म लिया। बाद में उन्हें वानर राज केसरी से प्रेम हो गया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। अंजना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंजना ने इच्छा जताई कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्मे जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सके। कुछ दिनों बाद राजा दशरथ ने यज्ञ किया और उसके बाद ऋषि ने खीर दी जो सारी रानियों को खिलानी थी। उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या की खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई और वह जा पहुंची जहां पर अंजना ध्यान कर रही थी। भगवान शिव के कहने पर वायु देवता ने खीर अंजना के हाथ में रख दी और अंजना ने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया और उसके फलस्वरूप उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया। नंबर टू, एक बार उन्होंने भगवान राम की लंबी आयु के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। जिन्हें रामायण के बारे में जरा सी भी जानकारी है उनको पता होगा कि हनुमान जी भगवान राम के प्रति कितने समर्पित थे। एक बार उन्होंने सीता जी को अपने माथे पर सिंदूर लगाते देखा तो पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों करती हैं। सीता जी ने उन्हें समझाया कि वो राम जी की पत्नी और जीवन संगिनी हैं और सिंदूर उनके प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान का प्रतीक है और साथ ही इससे उनकी आयु भी बढ़ती है। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में जो भी हनुमान जी की सिंदूर लगी मूर्ति की पूजा करेंगे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। नंबर थ्री, हनुमान शब्द का संस्कृत में मतलब है विकृत जबड़ा। संस्कृत में हनु का मतलब होता है जबड़ा और मान का मतलब होता है विकृत। हनुमान जी जब बच्चे थे उन्होंने सूरज को पका हुआ आम समझकर खा लिया और अपने मुंह में रख लिया और जब हनुमान उसे बाहर नहीं निकाल रहे थे तो भगवान इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे हनुमान जी सीधा धरती पर आ गिरे और उनका जबड़ा विकृत हो गया। नंबर फोर, वैसे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे लेकिन उनके मकर ध्वज नाम का एक पुत्र था। हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ से लंका को जला दिया था तो उसके बाद अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में नहा रहे थे, तब मकर ध्वज नाम की ही एक मछली ने उनके पसीने की एक बूंद को निगल लिया जिससे उन्हें गर्भ धारण हो गया और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भी मकर ध्वज ही रखा गया। नंबर फाइव, हनुमान जी और महाभारत के भीम दोनों भाई थे। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे लेकिन ये सत्य है और बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भीम भी वायुदेव के पुत्र थे और हनुमान भी। इस तरह दोनों में भाइयों का रिश्ता था। पांडवों में से एक भीम अपनी ताकत और शक्ति के लिए जाने जाते हैं और इस बात का उन्हें बहुत अहंकार था। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे अपना मनपसंद फूल लाने को कहा और भीम वह फूल खोज रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर रास्ते के पास सोया है और उसकी पूंछ ने रास्ता रोक रखा है। भीम ने वानर से पूंछ को हटाने को कहा ताकि वह आगे जा सके, लेकिन वानर ने नहीं हटाई और कहा कि आप ही हटाकर चले जाओ। भीम को तो अपनी शक्ति पर गर्व था ही, उन्होंने वानर की पूंछ को पकड़ा और हटाने की कोशिश की
लेकिन पूंछ को हिला भी नहीं सके। जब अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ को टस से मस नहीं कर सके तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, और उन्होंने हार मान ली और क्षमा मांगकर उस महाकाय वानर से उनका परिचय पूछा। दरअसल वो हनुमान जी थे और भीम का अहंकार तोड़ने के लिए ही वहां पर बूढ़े वानर के रूप में लेटे थे। हनुमान जी ने कहा, भीम मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा भाई। यह मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारा अहंकार कम हो और तुम युद्ध में शत्रुओं को कम ना समझो और अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजयी हो सको। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुम युद्ध में लड़ोगे तो एक शेर की तरह तुम्हारी आवाज शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देगी और मैं युद्ध में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहने के बाद हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया और उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान की और अपने वचन के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण जी जिस रथ के सारथी थे, हनुमान जी उस रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप धारण करके विराजमान हो गए थे और पूरे युद्ध में उनके साथ थे। इस तरह हनुमान जी के बारे में ये कुछ तथ्य थे जिन्हें जानकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।